हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे अपम। ये बच्चों को बहुत ही पसंद है, पर उसके साथ साथ बड़ों को भी ये बहुत पसंद आता है। अपम सूजी से बनते हैं और बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो जाते हैं। यहाँ पे हम दो बाउल सूजी के लेंगे। पहले हम इसमें दो बाउल छाछ डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अगर आपको बैटर थोड़ा गाढ़ा लगता है तो थोड़ा सा और डाल सकते हैं, लेकिन एक साथ मत डालिएगा। देखिए ऐसा रहना चाहिए। इसे हम 15 मिनट तक रख देंगे। यहाँ पे मैंने 10 से 15 छोटे आलू उबाल के रखे थे, इसे मैश कर लेते हैं। इसमें एक बाउल बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे, अदरक लहसुन और मिर्च का एक पेस्ट बना के रेडी किया है वो डाल देंगे, धनिया डाल देंगे, आधा छोटा चम्मच हल्दी डाल देंगे, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। आलू उबालने में नमक डाला है तो कम डालिए। जीरा पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा गरम मसाला डाल रही हूँ, एक चम्मच चीनी डाली है और लास्ट में एक नींबू का रस निकाल कर डाल रही हूँ। हल्का हल्का इसे इस तरह से पहले हम मैश कर लेंगे, फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला एकदम रेडी हो चुका है। अब इसमें से हम इस तरह से छोटी छोटी गोलियां बना लेंगे। देखिए सारी गोलियां बना के रेडी है, बस इतनी छोटी ही गोलियां बनानी है हमें। यहाँ पे बैटर में मैंने हरा धनिया और अदरक लहसुन और मिर्च की पेस्ट डाली है। आप चाहे तो कोई भी सब्जियां इसमें डाल सकते हैं। बैटर को इस तरह से आधा कर लेते हैं और इसमें हम एक छोटा चम्मच इनोका डाल देंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अपम के लिए स्पेशल नॉनस्टिक का पैन रहता है वो लिया है मैंने, और इसमें हम सिर्फ हल्का हल्का ऑयल लगा देंगे। और इसमें मैं थोड़ा थोड़ा तिल डाल रही हूँ, आप चाहे तो सरसों भी डाल सकते हैं। जो बैटर हमने इनो डाल के रेडी किया है वो हम थोड़ा थोड़ा करके फटाफट इसमें डाल देंगे। और आलू की जो गोलियां हमने बना के रेडी की है वो इस तरह से डालते जाएंगे, और गोली डालते समय हमें इसमें थोड़ा थोड़ा प्रेस करना है। आप गोली को हल्का दबा सकते हैं, देखिए इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा दबा दीजिए। फिर ऊपर से वापस हम वो बैटर डाल देंगे।
फिर हम इसे ढककर 2 मिनट तक रख देंगे। 2 मिनट के बाद ऊपर से फिर से थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल देंगे। देखिए अपम का कलर एकदम चेंज हो गया है, तो ये अब हम पलट लेंगे। पलटने के बाद इसे थोड़ी देर और ढककर रख देंगे। आप एक बार चेक कर सकते हैं, अगर ये दोनों साइड से गोल्डन हो गया है तो रेडी है। ये थोड़ा भी कच्चा है तो और इसे हम पकने देंगे। देखिए ये बनके रेडी हो चुका है, तो एक प्लेट में अब इसे हम इस तरह से निकाल लेंगे। सूजी के अपम बनके रेडी हो चुके हैं। आप इसे टोमेटो केचप या फिर इमली की चटनी के साथ परोस सकते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं और ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ये बच्चों को तो पसंद ही आता है, साथ में ये बड़ों को भी बहुत ही पसंद आता है।